हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा और आप सबका स्वागत है प्रैट्स किचन में। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट सिरप। ये रेसिपी जो है वो स्पेशली बच्चों के लिए है। बच्चों को चॉकलेट सिरप बहुत ही पसंद होता है और मार्केट में ये बड़ा एक्सपेंसिव मिलता है। मेरी इस रेसिपी से आप झटपट से इसको घर में ही बना सकते हैं और जब चाहें तब रेडी कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसको बनाने के लिए दोस्तों, एक छन्नी में मैंने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच जितनी पिसी हुई चीनी ले ली है। नॉर्मल चीनी को मैंने मिक्सी में पीस लिया था और मेजरमेंट से ये 4 बड़े चम्मच है। किसी भी चम्मच से आप ये मेजर कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने 3 बड़े चम्मच कोको पाउडर डाल दिया है। मैंने डार्क कोको पाउडर लिया है, आप चाहें तो कोई भी कोको पाउडर ले सकते हैं, बस वो अनस्वीटेंड हो। उसके बाद इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच मैदे का डाला है। इन सभी चीज़ों को मैं छन्नी से छान के अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें जो भी गांठ हो वो हम रिमूव कर सकें। उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच बड़े चम्मच से दूध डाल दिया है। एक्चुअली हमें यहाँ पर एक गाढ़ा मिश्रण तैयार करना है। शुरू में मैं सिर्फ 3 चम्मच मिल्क ले रही हूँ। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। अभी ये मुझे काफ़ी गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें 1 बड़े चम्मच दूध का और डाल दे रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी मैं। और मिक्स करने के बाद ये देखिए दोस्तों, एक बढ़िया गाढ़ा मिश्रण बन के तैयार हो गया है यहाँ पर। चलिए अब हम इसका सिरप बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक पैन में 1 कप दूध ले लिया है और 1/2 कप क्रीम का ले लिया है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैं बॉईल कर लूँगी। मैंने यहाँ पर नॉर्मल जो अमूल वाली ब्लू पैकेट की क्रीम होती है वही यूज़ की है यहाँ पर। इन दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर लें और मिक्स करके अच्छे से इसको बॉईल कर लें। जब इसमें बॉईल आ जाएगा दोस्तों, तब हम इसमें चॉकलेट का जो मिश्रण हमने तैयार किया था वो ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर दूध अच्छे से उबल गया है, तो यहाँ पर मैं इसमें चॉकलेट का मिक्सचर ऐड कर दे रही हूँ। इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करके इसको स्लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए कुक करूँगी ताकि ये जो चॉकलेट का मिक्सचर है वो अच्छे से गाढ़ा हो जाए और हमारा जो सिरप है वो अच्छे से रेडी हो सके। इसको धीमी आंच पर ही कुक करेंगे, नहीं तो ये नीचे से जलने लगेगा। इसको लगभग 2 मिनट तक मैं कुक करूँगी दोस्तों, और 2 मिनट के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल अच्छा गाढ़ा हो गया है। और इसको कुक कब तक करना है, ये रेडी हो गया है, ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम इसको स्पैचुला पे ऐसे लेंगे और लेने के बाद थोड़ा सा ठंडा करके इस पे मैं ऐसे उंगली चला रही हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वापस से चम्मच को कोट नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो सिरप है वो रेडी हो गया है। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए एक बोल में पलट दे रही हूँ, और बोल में पलटने के बाद इसको फ्रिज में रखने के पहले, जब तक ये बिल्कुल अच्छा ठंडा ना हो जाए, मैं इसको प्लास्टिक से रैप कर ले रही हूँ। इसको रैप करने के लिए इस चीज़ का ख्याल रखें दोस्तों कि जो प्लास्टिक है वो चॉकलेट सिरप को टच करे, नहीं तो इसमें एक स्किन फॉर्म हो जाएगी और उसके बाद आपको उसको छानना पड़ेगा। इससे हमारा जो चॉकलेट सिरप है वो लंपी बनेगा। इस तरीके से इसको रख के फ्रिज में ठंडा कर लें दोस्तों, और ठंडा करने के बाद ये और भी गाढ़ा होगा। तो आप देख सकते हैं, चॉकलेट सिरप आपका तैयार है। इसको बनाएं और बच्चों को खिलाएं, ब्रेड के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। तो इसको बनाएं और मुझे बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ प्रैट्स किचन में।